थाना नीलगंगा क्षेत्र में एक बच्ची के बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है। बच्ची बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या का प्रयास कर रही थी, तभी क्षेत्रीय रहवासियों ने बच्ची को समझाया और तुरंत ही नीलगंगा पुलिस को सूचना दी। नीलगंगा पुलिस ने मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचाई और मौके पर खुद भी पहुंचकर बच्ची को सुरक्षित नीचे उतारा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बच्ची का नाम सलोनी है, जो पिछले 5-6 सालों से मानसिक तौर पर बीमार है, जो अपने घर की खिड़की पर बैठ गई और वहां से कूदने का प्रयास करने लगी, जिसको हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मदद से सुरक्षित नीचे उतार लिया। क्षेत्रीय रहवासी इकबाल सिंह गांधी बीजेपी नेता ने बताया कि बच्ची ना समझ है, कुछ पारिवारिक विवाद की वजह से उसने ऐसा कदम उठाया होगा। अपनी पहली माँ के पास जाने के लिए कह रही थी बच्ची, और बच्ची हर रोज गार्डन में घूमने भी आती है। उसे समझाया गया, प्रयास अभी भी जारी है। बच्ची की पहली माँ जोधपुर में रहती है, वो भी कुछ समस्या के कारण बच्ची को उसके पिता यहाँ उज्जैन ले आए हैं। उसके पिता जल्द ही मामला सुलझा लेंगे। थोड़ा सा ना समझ सी है वो, और पारिवारिक विवाद है, इस वजह से उसको कुछ टॉर्चर हुई होगी, तो वो कहीं सुसाइड करने या उसकी जो पहली मदर है वहाँ जाने का बोल रही है। सलोनी नाम है बेटी का, और अच्छी प्यारी बच्ची है, और यहाँ गार्डन में भी घूमती है, अच्छी से रहती है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पारिवारिक समस्या होने की वजह से उसने ये कदम उठाया है, और अभी वो मान रही है, गार्डन में बैठी है। बच्ची है जो कि 5-6 साल से मानसिक विकृत है, वो अपने घर की खिड़की पा करके बैठ गई थी और वहाँ से कूदने का प्रयास करते आत्महत्या का। हम लोगों को सूचना मिली थी, तो हम फिर यहाँ पर आए और फायर ब्रिगेड की मदद से उसको वहाँ से सदस्य बता दिया। उसको बच्ची पिछले 5-6 सालों से मानसिक रोगी, कितना एफर्ट करना पड़ा पुलिस को फायर ब्रिगेड को बचाने के लिए, काफ़ी समस्या काफ़ी लगी जी।